Hey guys, welcome back to my channel Bubble Wrap and this is Marilyn. तो आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही मज़ेदार है, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ हमने रखा हुआ है स्टोव के ऊपर गोश्त गलने के लिए, और इसी के साथ जैसे ही हमारा गोश्त गल जाएगा इसके बाद हम इसे निकाल के एक साइड पे रख देंगे, और साथ ही हम ले लेंगे अनियन और उसको हम कर लेंगे चॉप। तो चॉप करने के बाद अनियंस को हम करेंगे पैन में फ्राई। तो यहाँ मैंने पैन में डाल दिया है ऑयल, और ऑयल को जो है वो हम गर्म कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा उसमें हम डाल देंगे प्याज, और प्याज डालने के बाद जो है हम इसको करेंगे ब्राउन। हमने जो है प्याज को तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ हमारा प्याज जो है वो रेडी हो चुका है। इसी के साथ हम प्याज को जो है वो एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम लेंगे चार टमाटर और इनको कर लेंगे चॉप, और ब्राउन किए हुए प्याज और टमाटर को एक साथ हम ब्लेंड कर लेंगे और इनका मिक्सचर बना लेंगे। तो हमारा गोश्त गल चुका है, अब हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे, और इसी के साथ हम एक बर्तन में लेंगे ऑयल, और ऑयल को जो है वो गर्म होने देंगे, और जो पेस्ट हमने बनाया था उसे हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने इसको भून लिया है अच्छे तरीके से। अब मैं डाल रही हूँ काली मिर्च, और इसके बाद हम इसको करेंगे मिक्स। और यहाँ पे जो है कोरमा मसाला जो मैं यूज़ करूँगी वो मैं शान का यूज़ करूँगी, ये वाला। और इस मसाले को भी जो है वो हम पेस्ट में ऐड कर देंगे, और इसी के साथ जो है फिर हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से इस मसाले को, और 2 मिनट्स के लिए इसको भून लेंगे। साथ ही में मैं अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डाल रही हूँ, वो भी मैंने पहले से बना के रखा हुआ था। और साथ ही में हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर, और इसको 2 मिनट्स के लिए और भून लेंगे। तो गाइस, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप मेरी कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो सारे मसाले ऐड करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही, और इसके बाद मैं इसको करूँगी अच्छी तरीके से मिक्स। मिक्स करने के बाद हमने जो साइड पर रखा हुआ था गोश्त वो हम कर लेंगे इसके अंदर ऐड, और ऐड करने के बाद जो है हम इसको मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे 5 से 8 मिनट के लिए। तो अब जो है इसको मैं 5 से 8 मिनट के लिए ढक दूंगी ताकि ये अच्छी तरीके से भून जाए। तो यहाँ जो है ये अच्छे तरीके से भून चुका है, और इसमें मैं कर लूँगी ऐड पानी, और पानी जो है आपने उतना लेना है जितनी आपको ग्रेवी चाहिए इसकी। तो यहाँ जो है वो हमने पानी इसमें ऐड कर दिया है, और मैंने पानी इसमें इतना ऐड किया है कि जो हमारा गोश्त है वो इसमें डिप हो जाए अच्छी तरह से। और इसके बाद हम इसको कर देंगे कवर 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट के बाद जब हम देखेंगे तो इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का आएगा, और अगर आपको इससे भी ज़्यादा थिक चाहिए तो आप 5 मिनट्स के लिए और पका सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर डिश आउट कर लूँगी। तो गाइस, ये रहा हमारा बीफ कोरमा तैयार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें।